स्टडी हार्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी तक पॉलिटी के वीडियो पढ़े, हमने पॉलिटी के 3 पार्ट पढ़े, सभी पार्टों में हमने 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने SSC और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के सरकारी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें हमने अभी तक पॉलिटी के 3 वीडियो पढ़े हैं, ठीक है। हमने मैथ के कुछ टॉपिक पढ़े हैं, हमने कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं एग्ज़ाम के लिए। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो आप लोग की डिमांड थी कि सर ज्योग्राफी के वीडियो भी लेके आएँ, तो मैंने आज से एक एक वीडियो मैं आपको ज्योग्राफी पर भी दिया करूँगा। तो इस तरह से आपके डेली ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे पॉलिटी के। मैथ और रीजनिंग हमारी चली रही है। हाँ, रीजनिंग सेक्शन में अभी क्वेश्चन थोड़े कम मिल पा रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ दिक्कतें चल रही हैं रीजनिंग सेक्शन में, पर वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो आपको रीजनिंग पे भी वीडियो आप अल्टरनेट या डेली या आपको 2 दिन में आपको वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी अनुरोध है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ टाइम पर मिल जाएँ, आपको किसी भी तरह का कोई डिले ना हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सीख सकें और एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, ठीक है। पॉलिटी में हमने 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो पॉलिटी का दिया है आपको, उसमें 11 अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है, और आज से ज्योग्राफी के वीडियो भी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको पढ़ाई को लेके, किस तरह से पढ़ाई करनी है, और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बताइए, और भी अगर कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई के अतिरिक्त तो वो भी बताइए। मैं आशा करता हूँ मैं आपकी दिक्कतें दूर कर पाऊँगा, कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि आपको पढ़ाई मिलेगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, SSC 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन है, गैलीलियो, जेल बेर्ड, कोपरनिक्स और कैपलर, ठीक है। इसका ऑप्शन है तीसरा, कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की थी, ठीक है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ आप इन्हें एक जगह नोट करते रहिए। इससे क्या होगा कि अब जब 1 महीने बाद देखेंगे ना, तो आपके पास अच्छे खासे 250-300 क्वेश्चन हो जाएंगे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। हिस्ट्री अभी शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हिस्ट्री इसलिए नहीं शुरू कर रहा क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही, मतलब आप क्या, मुझे खुद बोरिंग लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में अभी इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनका GA में, अगर आप देखोगे पहले तो इनसे 7-8 नंबर के क्वेश्चन आते थे, कभी कभी तो ज्योग्राफी से 12-12 नंबर के क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉलिटी और उसके बाद अब ज्योग्राफी शुरू किया है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पर हमें जल्दी ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं दोनों टॉपिक पे, और वो तभी हो पाएगा जब आप मेरे बराबर मेहनत करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि मुझे कितनी मेहनत और करनी है, आप मुझसे किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं, और क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, वो सारी बात जब डिस्कस हो पाएंगी दोनों एंड से, तभी हम लोग और अच्छे से पढ़ाई को आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जिसका आंसर है कोपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आ चुका है, तो एक संभावना बनती है कि ये 2017 में आपका रिपीट हो जाएगा। 2016 तो चला गया, इसका मेंस का पेपर है, मेंस के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, वो करूँगा आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि 13 में आ चुका है, हो सकता है 17 में आ जाए, कुछ कन्फर्म नहीं है, बट एक संभावना आप यहाँ कह सकते हैं, संभावना पूरी है कि ये 2017 में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है। ये भी SSC 2011 क्वेश्चन, इसकी भी एक प्रबल संभावना है कि ये आपके 2017 CGL के पेपर में या 10+2 या LDC किसी भी तरह के पेपर में आ सकता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सांध प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, और सूर्य का ध्रुवीवृत्त में देर तक चमकना, ये 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चार, इसका आंसर है सूर्य का ध्रुवीवृत्त में देर तक चमकना, इसे कहते हैं मध्यरात्रि सूर्य, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं, ये SSC के 2011 और 2013 में आए हुए क्वेश्चन है, इनकी एक संभावना हो जाएगी कि ये SSC आपको क्या नाम है आपके इसमें CGL 10+2 में दिख जाएंगे पेपर में, एक संभावना है ऐसी,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत पाया जाता है। एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भी हाल में पूछा गया 2-3 साल पहले। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, देखिए पेपर की स्ट्रेटजी होती है कि आप हमेशा पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पूरे देख के जाइए। उससे पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप कभी भी किसी एक्सपर्ट से मिले या वो जो बहुत सारे तैयारी कर रहा हो या जिसने सफलतापूर्वक कोई किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया हो, या आप लोग भी कोचिंग वगैरह जाते होंगे, बहुत सारी कोचिंग में जाते होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने का मतलब यही होता है कि आप पेपर के पैटर्न को समझ जाइए, आप ये समझ जाइए कि क्वेश्चन किस लिहाज से पूछे जा रहे हैं, उनका तरीका क्या है पूछने का और उनकी संभावना क्या हो सकती है एग्जाम में आने की, ठीक है। तो 2013 के आए हुए क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए 2011, 12, 13, 14 और 15, 16 पिछले 6 साल, पिछले 6 साल के पेपर तो आपको देख के ही जाने हैं। इससे रीज़न क्या होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। देखिए जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका तो मैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि वो अपनी तैयारी निराश ना होए, इनके मन में निराशा नहीं आनी चाहिए कि मेरा हुआ नहीं, 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ अब मैं नहीं करूँगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो सोचना ही नहीं है। अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई कमी रह रही होगी, उस कमी को अब आपको दूर करना है और इस साल सिलेक्शन लेना है। तो 2017 सीजल में सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए हमें आज से पढ़ाई शुरू करनी है। और जो लोग अभी 2017 में आए हैं मैं उनको बता दूं कंपटीशन बहुत टफ है, पर नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप पूरा 101% देंगे तो रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। आप सभी सेक्शन को लेके चलिए, आप ये मत सोचिए कि मेरी मैथ अच्छी है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा या पॉलिटी वगैरह नहीं पढ़ूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। अगर आप इस सोच के साथ पेपर में जा रहे हैं तो आप लिख के ले लीजिए, बुरा मत मानिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो गया और बच्चे सब कुछ पढ़ के जाते हैं पेपर में और बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। आपने एसएससी सीजल 2016 का प्री का पेपर रिजल्ट देख ही लिया होगा, 137 नंबर जनरल की कट ऑफ हुई है, तो आप सोच लीजिए कि कंपटीशन किस लेवल का हो रहा है और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन देखिए बढ़ता ही है बट हमें तैयारी कंपटीशन के हिसाब से करनी है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन है पहला हीलियम। सूर्य सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी 2013 में ये भी आया हुआ प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है, और इसका ऑप्शन है बुध, ऑप्शन नंबर 4 दिए थे बुध, शनि, बृहस्पति और मंगल। क्वेश्चन नंबर पाँच एसएससी 2011 में हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन, सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। 4 ऑप्शन, मरकरी मतलब बुध, मार्स मतलब मंगल, वीनस मतलब शुक्र और प्लूटो मतलब यम। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर 3, शुक्र है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों को आप एक अपनी डायरी बना लीजिए या एक नोटबुक बना लीजिए जहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को लिखते रहिए, जब आप देखेंगे 1-2 महीने में आपके पास एक अच्छा खासा संग्रह हो जाएगा, अच्छा खासा मेरे ख्याल से आप अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, तो आपको पेपर में, मैं नहीं कहूँगा कि इन यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बट हमें पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि अगर हम पिछले साल के पेपर पढ़ेंगे तो संभावना बढ़ जाती है क्वेश्चन के रिपीट होने की, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने पढ़े, आयो आपने लिखे होंगे इनको, अब मैं हटाता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल।
सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका आंसर बहुतों को पता होगा, इसका आंसर बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये भी आरआरबी पे परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट और 10 मिनट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका ऑप्शन है 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे चमकीला ग्रह कौन था? SSC 2012 में आया क्वेश्चन, और बहुत ही कॉमन और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पर लोग इसका भी गलत जवाब लगा के आते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ोगे तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप चुटकियों में कर सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आसान क्वेश्चन को भी आप गलत टेक करके आओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमको पढ़ना है सही से और हमें पढ़ाई आज से शुरू करनी है। हमें ये नहीं कि फॉर्म आ जाएगा तब पढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच के साथ आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। सच को समझिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। सब पढ़ो, सब बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे चमकीला ग्रह, इसका आंसर है शुक्र। शुक्र हमारा सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है हमारा SSC 2011 का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? देखिए, ब्लू प्लैनेट आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। ब्लू प्लैनेट मतलब जहाँ पानी है, सबसे ज़्यादा पानी पृथ्वी में है, तो इसका आंसर पृथ्वी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, UPPCS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हमें समझना है। पृथ्वी स्थित है शुक्र तथा मंगल के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य, या मंगल एवं बृहस्पति के मध्य? क्वेश्चन नंबर 10 का आया हुआ क्वेश्चन, शुक्र तथा मंगल के मध्य हमारी पृथ्वी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, SSC 2012 का क्वेश्चन, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है? वो होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, तो हमने आज 11 क्वेश्चन डिस्कस करे। आप इन्हीं सारे क्वेश्चन को वीडियो आप देखते रहिए। स्टडी हार्ड पे आपको बहुत सारे पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और पेपर की विभिन्न जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी थोड़ा नॉलेज हो जाए इन सब चीज़ों की, कि ये सब चीज़ें भी हमें एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।